कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन एवं छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवी संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में आज रेप मुक्त भारत पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जीसा रायपुर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिलीप कौशिक थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम प्रकाश ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आलोक पुतुल गंगेश द्विवेदी, प्रियंका पटेल, योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रियंका शुक्ला मौजूद थे। मुख्य अतिथि आसंदी से दिलीप कौशिक ने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका रेप मुक्त भारत अभियान के लिए अनुकरणीय है। समाज को इसके प्रति संवेदनशील व जागरूक करने की जरूरत है। जी, ये एक राज्य स्तरीय परिचर्चा है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा। देशव्यापी एक अभियान चलाया जा रहा है रेप मुक्त भारत को लेके। इसके तहत पूरे 500 लोकसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें इनसे एक शपथ पत्र भरवाया गया है कि वो रेप मुक्त भारत की जो परिकल्पना है उसको सपोर्ट करते हैं, और अगर वो जीत कर आते हैं तो इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। साथ ही बजट में एलोकेशन की बात करेंगे, यूनियन बजट में 10% एलोकेशन की बात करेंगे रेप मुक्त भारत का जो सपना है उसको साकार करने के लिए। साथ में एक ऐसा माहौल निर्माण करने की बात करेंगे जिसमें बच्चे और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, वो जो चाहें वो कर सकें, घर से निकलें तो उन्हें कोई डर ना हो, इस तरह की एक सुरक्षित माहौल बनाने की इसमें बात हो रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर इसमें बात हो रही है, इसी को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा था। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी जो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं इन सब लोकसभा क्षेत्रों में हमारे जो संस्थाओं के जो सदस्य हैं उन्होंने जाकर के इन प्रत्याशियों से शपथ पत्र लिया है। कुछ ने हमें दिया, कुछ ने हमें नहीं भी दिया। और इस शपथ पत्र लेने के बाद उनके द्वारा एक संदेश भी दिया गया कि वो रेप मुक्त भारत को सपोर्ट करते हैं और आने वाले समय में इस रेप मुक्त भारत की जो बात चल रही है उसको साकार करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और इसी को लेके एक राज्य स्तरीय आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें हर तबके के लोग उपस्थित हैं। महिला बाल विकास से हैं, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से ओम प्रकाश जी हैं जो इस पूरे अभियान का संचालन कर रहे हैं पूरे देश में। इसके अलावा हमारे साथ वकील हैं, कुछ युवा हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से हमारे कुछ साथी हैं, और भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए हुए संस्था के लोग हैं जो अपनी अपनी बात को रखेंगे। 181 जो एक महिला हेल्पलाइन है वहाँ से भी हमारे साथी मौजूद हैं और वो अपनी बात को इस कार्यशाला में रखेंगे। और इसके बाद हम एक तैयारी अपने प्रदेश में किस तरह से रेप मुक्त प्रदेश हम कर सकें इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और अपनी कार्य योजना बनाएंगे। क्या वजह मानते हैं कि महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है और लगातार बढ़ी गई? इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मैं साइकोलॉजिकल समझती हूँ। उसके अलावा जो आजकल जो साइबर क्राइम है और जो हमें आसानी से जो इंटरनेट मिल रहा है जिसमें गलत चीज़ें हम देख रहे हैं उसका विपरीत प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जिस तरीके से आजकल चीज़ों को परोसा जाता है हमारे फिल्मों में, हमारे टीवी में, चीज़ों को जो परोसने का जो तरीका है मीडिया का, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे युवाओं पर पड़ता है और कहीं ना कहीं वो एक रेप का कारण बनता है। मेरा नाम इंदु साहू है, मैं चेतना चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर सोसाइटी नामक संस्था का संचालन यहाँ छत्तीसगढ़ में करती हूँ। चेतना 1098 एक जो टोल फ्री नंबर है उसका भी संचालन करती है, जो बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन है रायपुर में उसका संचालन करती है। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।